बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुस्तार वीडियो में आप सी लैंग्वेज के दो प्रोग्राम सीखेंगे। ये दोनों प्रोग्राम कंप्यूटर स्टैंड 10th क्लास के दूसरे यूनिट के प्रॉब्लम्स के बारे में है। पहला प्रोग्राम टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेल्सियस टेम्परेचर टू फारेनहाइट। तो इसके लिए कोई से दो वेरिएबल को डिक्लेयर करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दोनों दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, सी एंड एफ। सी फॉर सेल्सियस टेम्परेचर एंड एफ फॉर फारेनहाइट टेम्परेचर। उसके बाद हम प्रिंट टाइम स्टेटमेंट से कोई पैगाम स्क्रीन पर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये पैगाम स्क्रीन पर नजर आएगा। उसके बाद यूज़र कोई भी टेम्परेचर वो सेल्सियस में एंटर करेगा। जो यूज़र टेम्परेचर एंटर करेगा वो स्कैन है फंक्शन के जरिए वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला लगाएँ। फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय सी, यानी 9 सी से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको 5 पर डिवाइड करेगा, उसके बाद प्लस 32 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो एफ में स्टोर हो जाएगा और लास्ट में हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट की इसको आउटपुट दिखा देंगे। तो आइए इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए एफ 9 की है और उसके बाद इसको साथ ही हम अगर एरर नहीं है तो रन करते हैं। तो एफ 10 की है रन करने के लिए, उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा टेम्परेचर सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 25 एंटर करता हूँ, एंटर का बटन देखिए उसने टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, 77 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह हम इस प्रोग्राम के जरिए सेल्सियस टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रोग्राम तक चलते हैं, जिसमें यूज़र ने एक नंबर एंटर करना है जो कि 5 डिजिट पर मशमल होगा और प्रोग्राम उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को सम करके उसका रिजल्ट स्क्रीन पर शो करेगा। ये प्रोग्राम दूसरे यूनिट के प्रॉब्लम के बारे में, प्रोग्राम एक्सरसाइज नंबर 7 यूनिट नंबर 2। प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट ऑफ 5 डिजिट नंबर, यानी इसमें यूज़र जो नंबर एंटर करना वो लाजमी तौर पर 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक का नाम रख लेते हैं सम, दूसरे का नाम फर्स्ट और तीसरे का लास्ट। उसके बाद हम प्रिंट आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम एंटर 5 डिजिट नंबर, यानी यूज़र यहाँ पर कोई नंबर एंटर करेगा जो कि वेरिएबल नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर मालूम करने के लिए हम उस नंबर को 10,000 पे डिवाइड करते हैं, यानी 10,000 पे तकसीम करते हैं। और यहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया वो इंटीग्रल डिवीजन वाला है। इसमें जो डिवीजन ऑपरेटर ये सिर्फ इंटीजर नंबर को रिटर्न करेगा। फर्स्ट डिजिट मालूम करने के लिए हम नंबर को 10 पे डिवाइड करते हैं, उसके लिए हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद लास्ट पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया जिसके अंदर हम लिखा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, और उसके बाद हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया जहाँ पे हमने एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो आप इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये पहला जो मैसेज स्क्रीन में अंडर 5 डिजिट नंबर, जहाँ पे हम कोई नंबर एंटर करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है और लास्ट डिजिट होगा 7, इसका रिजल्ट 9 आना चाहिए। हम इस प्रोग्राम को मजीद कोई 5 डिजिट नंबर एंटर कर चेक करते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ बार वक्त आप तक पहुँच सकें। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई 5 डिजिट नंबर एंटर करता हूँ। जो मैंने नंबर एंटर किया देख सकते हैं, तो उसका फर्स्ट डिजिट 9 और लास्ट डिजिट क्या 0 है, तो इसका रिजल्ट भी 9 ही आना चाहिए। तो मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 9 ही आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को आखिर में 30 दफ़ा फिर मैं चेक करता हूँ। बाकी डियर स्टूडेंट्स आप भी इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ नंबर एंटर कर इसको चेक करें। तो दोबारा रन किया, यहाँ पर मैं आप नंबर एंटर करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट डिजिट 1 और लास्ट डिजिट क्या 5 है, तो दोनों डिजिट्स का मजमू 6 आना चाहिए। एंटर का बटन दबाया, आप रिजल्ट इसको देख सकते हैं 6 ही आ रहा है। बाकी प्रोग्राम की वीडियोस भी हम आस्ते आस्ते अपलोड करते रहेंगे। उसके लिए आप लर्निंग लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास, उसको लाजमी विजिट करें। उसके अंदर बाकी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं, उनको देखें, वॉच करें और उनकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।